सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पे एक नई वीडियो लेके, बिकॉज जो बोल्ट है वो अपना मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है बोल्ट Z40 अल्ट्रा। एंड ये जो है वो एक TWS है जो कि बोल्ट Z40 का ही एक सक्सेसर है। एंड बोल्ट Z40 जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला ईयरबड था, अराउंड 1 मिलियन के ऊपर उसकी सेल्स गई थी, ऐसा मेरा नहीं बोल्ट वालों का कहना है। बाकी आज हम देखेंगे कि ये वाला जो बोल्ट Z40 अल्ट्रा है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, एंड क्या 2000 रुपये के अंदर आपको इस वाले ईयरबड के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। पैकेजिंग की बात करूं तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर काफी सारी डिटेल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, बट हम भाई सीधा इसको अनबॉक्स करेंगे बिकॉज डिटेल्स जो है वो हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो जैसे ही आप ऐसे बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक QR कोड देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे जो है वो आपको 3 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिल जाती है, एंड साथ ही में अगर आप साइड से इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एसेसरीज देखने को मिल जाएंगे एंड डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो है वो अगर हम अपनी मेन बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर आए तो भाई एक और यहाँ पे कार्ड सा देखने को मिल जाता है जो अगेन जो कि बोल्ट ने जो है वो अपनी ब्रांडिंग कर रखी है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे केस की बात करूँ ना तो वो भाई देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुकिंग लगता है। इस बार ट्रिपल टोन में यहाँ पे बोल्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया है, एंड सबसे बॉटम वाली साइड पे जो है वो हमें मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये गोल्डन कलर की हमें यहाँ पे एक लाइनिंग सी देखने को मिल जाती है, एंड टॉप जो है इसकी लिड जो है वो हमें यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है जो कि इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है ऑनेस्टली। एंड यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ हमें 4 LED लाइट्स भी देखने को मिल जाती है जो कि केस की यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को दिखाती है। बाकी ये जो ईयरबड्स है ना वो आपको 2 और कलर्स में देखने को मिल जाएंगे, एक बीच कलर में और एक ग्रे से टाइप के कलर में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी फिनिश आपको पसंद है वो आप भाई ले सकते हो। बाय द वे ये जो ईयरबड्स हैं ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बोल्ट की खुद की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको बाय कर सकते हो। एंड मैंने इनका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, पर पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी रिव्यू की। देखो अगर मैं यहाँ पे इसके मैग्नेटिक क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी भाई मुझे सही लगी। आप इसको जितना मर्जी झटका दोगे यहाँ पे तो ये नीचे नहीं गिरते हैं। एंड साथ ही में अगर मैं यहाँ पे हिंज की भी बात करूँ ना तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। इसको आप मतलब फोर्स यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके बंद होता है, ऐसे अपने आप से बंद नहीं होगा। तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पे मुझे लगी। बाकी अगर मैं इनकी स्टेम्स की भी बात करूँ तो यार इस बार बोल्ट ने ना जो है वो डिज़ाइन में बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ कर रखी है इनकी। मतलब आप डिज़ाइनिंग देखो यार, कितना प्यारा यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन बोल्ट ने दिया है। एंड साथ ही अगर मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग की बात करूँ ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाती है। मतलब मेरे ईयर्स में जो है, मैंने नॉर्मल इसके ईयर टिप्स के साथ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड फिनोमिनल मुझे यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो फिटिंग की लगी है। एंड अगर मैं ऐसे देखो अपने हेड को शेक भी करता हूँ तो भाई गिरने का जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सीन नहीं लग रहा है, अच्छे से कानों में फिट हो जाता है। एंड मैंने जो है वो अब इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ भी करके देख लिया, एंड भाई कान में कोई भी फटीग वगैरह मुझे महसूस नहीं हुआ। तो मुझे जो है वो इसकी फिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड फिनिश तो भाई मैं फ़ैन हो गया सच में। बाकी अगर इसकी और सबसे बड़ी मैं USP की बात करूँ ना तो इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पे इसके अंदर आपको जो है वो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलती है, वो भी अप टू 32 dB तक की, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड मैंने इसको मोड को यूज़ करके भी देखा तो हाँ मुझे डिफरेंस क्लियरली महसूस दिया। यहाँ पे सराउंडिंग का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड इसके बिना इसके अंदर ना आपको डुअल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि आप एक साथ पे इसको 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके रख सकते हो, एंड जब आप दूसरा डिवाइस यूज करोगे कॉल वगैरह आती है तब ऑटोमेटिकली फर्स्ट डिवाइस बंद हो जाएगा एंड सेकंड डिवाइस से आपको जो वॉइस है वो आनी शुरू हो जाएगी। बाकी इसकी एक चीज मुझे और काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी कि मैं बहुत देर तक इसमें सॉन्ग सुन रहा था, एंड यहाँ पे इसकी बैटरी जो है वो बिल्कुल भी भाई कम नहीं हुई। यहाँ पे 100 आवर्स तक का आपको प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, एंड आप जस्ट 10 मिनट इसको चार्ज करोगे एंड उसके बाद आप 100 आवर्स के लिए जो है वो इनको यूज कर पाओगे, दैट इज फिनोमिनल यार। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके ड्राइवर्स की भी बात करूँ तो यहाँ पे इसके अंदर 10 mm के जो है वो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड 3 इक्वलाइजर के मोड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बेस, रॉक एंड एक तो और कोई करके मोड है इसके अंदर जो कि काफी ज्यादा सही से काम करते हैं। एंड अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की भी बात करूँ ना तो वो भी भाई मुझे काफी ज्यादा सही लगी। बेस थोड़ा हैवी साइड में देखने को मिलता है यहाँ पे, जो बेस लवर लोग हैं ना वो भाई बहुत ही ज्यादा इसको एंजॉय करने वाले हैं, स्पेशली जिम के अंदर। अब बेस हाई होने के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वोकल्स वगैरह जो है वो क्लियर नहीं सुनाई देते, वो भी एकदम से मुझे शार्प एंड क्रिस्पली सुनाई दिए। तो ऑडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ भाई वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती है।
और साथ ही में यहाँ पे अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इंस्टेंटली जैसे ही आप इसकी लिड ओपन करोगे यहाँ पे ये शो कर देता है, एंड अगर आप इसको पेयर कर लोगे तो जैसे ही आप इसकी लिड को ओपन या क्लोज करोगे साथ के साथ ही ये कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट हो जाएगा। भाई ये सुपर फास्ट जो है कनेक्टिविटी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है ब्लूटूथ 5.3 के कारण। बाकी वेट अभी और भी है, अगर आप गेम लवर हो तो इसके अंदर जो है वो आपको लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको 45 मिलीसेकंड तक की अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलती है, तो इंस्टेंट रिस्पांस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गेमिंग में भी अगर करना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। एंड भाई अगर आप जिम विम जाते हो, बॉडी शॉडी बनाने का शौक रखते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इन ईयरबड्स के अंदर आपको IPX5 तक की रेटिंग देखने को मिलती है जो कि स्प्लैश प्रूफ एंड जो स्वेट प्रूफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एंड अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो और कॉल्स वगैरह का काम आपको बहुत ज्यादा रहता है तो इसके अंदर आपको प्रिज्म वॉइस करके भी PL कुछ ऐसा करके इन्होंने एक AI सिस्टम डाला हुआ है जिससे कि कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो वॉइस है वो काफी ज्यादा क्लियर सुनाई देती है बिकॉज इसके अंदर हमें जो है वो क्वाड माइक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड भाई जो इसकी माइक की क्वालिटी है वो मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ। सो गाइस, दिस इज द माइक टेस्ट ऑफ द Z40 अल्ट्रा एंड वॉइस की क्लैरिटी किस टाइप की है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरह की जो है वो यहाँ पे माइक की आउटपुट आप लोगों को मिलने वाली है। इस टाइप से ना आपको इसके अंदर भर भर के फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 2000 रुपए के अंदर। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी एंड इनकी साउंड क्वालिटी जो है भाई वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। बाकी अगर और फीचर्स की बात करो तो वन टैप वही प्ले पॉज कर दोगे आप, 4 टाइम अगर इस पर टैप करोगे तो आप इसके मोड्स में स्विच कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आप जो है वो कार्ड के अंदर यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैनुअल के अंदर वो दे रखा है, खामखा में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो गाइज ये तो था मेरे यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशंस एंड रिव्यू अबाउट द न्यू बोल्ट Z40 अल्ट्रा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को इनका लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई, मैं पूरा रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। आज वाली वीडियो के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।